और अभी मैंने बताया आपको मेरी ड्रीम कार के बारे में, क्यों परेशान कर रही है वीडियो बनाने में। हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज ऐसा है कि मेरे छोटे भाई को मेरे कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो उसे विदिशा लेके जाना है। तो मैं अभी विदिशा जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों जन जा रहे हैं। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, लेट हो रहे हैं। तो मैंने कहा ब्लॉग भी शुरू कर दे। तो मैं चाहता था कि वहाँ तक थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लूँगा वहाँ पे, और नहीं बना पाया तो ठीक है, देख लूँगा। तुम्हें क्या लेके आना, तुम्हें कुछ लेके आना है ना मेरी साथ? राखी, राखी के वो मंजली अम्मी कह रही थी। क्या कह रही थी? वो लाने हैं तो मोती वगैरह, तो इनके लिए जो राखी बना रही हैं तो उनके मोती वगैरह लेके आने हैं थोड़े थोड़े से। तो देख लूँगा, मैंने फ़ोटो खींच के रख लिया है। तो जौन सी डिज़ाइन मिलेगी उस डिज़ाइन के मैं लेके आ जाऊँगा। तो अभी ऐसा है कि हमारे घर पे एक छोटी सी गाय का बछड़ा हुआ है, तो गाय चिल्ला रही है, उसको रमा रही है, बुला रही है। तो चलो उसका भी थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। हमारे घर पे से आज सुबह सुबह बिल्कुल न्यू न्यू बेबी हुआ है, बछड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा गाय का। तो यार ऐसे इसकी गाय कैसे रमा रहा है, वो गाय बंदी है इसकी, तो सुबह से ऐसे चिल्ला रही है और ऐसे ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बस ब्राउन ब्राउन भूरा भूरा काला काला, पता ही नहीं कौन सा कलर। अभी तो इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, पता है? अभी देखो ऐसे दिख रहा है ये वाइट वाइट और ब्लैक ब्लैक, पता नहीं इसका पूरा कलर ही अलग निकल के आ जाएगा कुछ। तो चलो यार अभी चलते हैं विदिशा, है ना? मैं यार चलते हैं और बताना लुक कैसा लग रहा है, चश्मे के साथ, जूते के साथ, और आउटफिट गाड़ी के साथ, घटिया तेरी है, दिखते थी तेरी गदी पागल। तो चलो यार चलते हैं अभी और मिलते हैं थोड़ी देर में। सेम टू यू। ईशा आया तो हमारी बिट्टू मिल गई। हेलो हेलो, हाय बोलो जल्दी से, ओए जल्दी। बुआ जी क्या चल रहा है? हेलो, तो उसे बस हमारे यहाँ जाने का बोल दो, ऐसे और कुछ नहीं है ना। और ये कार्टून हाय। तो चलो अभी मैं विदिशा आया था, तो थोड़े काम से मामा जी के यहाँ आ गया अभी। तो अभी निकलते हैं घर, मेरा जो काम होना था वो हो चुका है ना, जो मैं काम से आया था। तो हमको कॉलेज में करवाना था, एडमिशन भी हो गया और पूजा का भी रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये बच्चा पार्टी मिल गए, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लो। तो चलो यार अब घर पर ही चलते हैं, घर पर वीडियो बनाएंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। पता है बहुत टाइम तक मैं ऐसे पहले आता था ना, जब छोटा था तो ऐसे आता था, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है तो उस साइड ऐसे बस से आ जाता था, फिर पैदल पैदल अपने मामा जी के यहाँ जाता था। तो मैं ऐसे ब्रिज पे खड़ा हो जाता था, जब तक खड़ा रहता था जब तक कोई ट्रेन नहीं निकल जाती थी। तो ऐसे अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले आया, तो किस्मत से एक जो मालगाड़ी आ गई है, तो यार इसलिए मैं पहले बहुत टाइम तक पहले रुकता था, मैं ऐसे बहुत मज़ा आता था। मैं जा रहा हूँ सीधा घर, और यहाँ पे ब्रिज पे रुका था, तो यहाँ पे मस्त सोडा वाला था, मस्त है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो सोडा वगैरह पीते हैं, पर यार मन नहीं किया। तो अभी मैं चलो सीधा निकलता हूँ, और ट्रेन थी जो निकल गई है, बहुत मज़ा आया। तो चलो रास्ते में मिलते हैं। और पता है इस ब्रिज पे खड़ा हूँ मैं, अगर कोई जैसे भारी वाहन निकल रहा है ना, तो इतने ज़ोर से हिल रहा है ये ब्रिज, कुछ पूछो मत। आपको पता है कि यार मोटो ब्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आता है, कसम से यार। मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं बाहर जाऊँगा ना, तब तो बिल्कुल फुल गैजेट लेके जाऊँगा, अपने हेलमेट हुआ और गोप्रो हुआ, माइक हुआ, जिससे कि ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिले आपको, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी मिले, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो यार पता है घूमने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है यार, कुछ मत पूछो। तो अगर कोई मेरे से बोले ना घूमने चल, तो अगर कोई मेरे को कार और बाइक का बोले तो मैं पता है बाइक का बोलूँगा, चल बाइक से चलें, क्योंकि यार मुझे बाइक बाइक से ऐसे चलने में
बाइक से चलने में बहुत मज़ा आता है, बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। कितना ही दूर तक मेरे को ऐसे बाइक से चलवा लो तो मुझे यार फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चला लूँगा। तो यार पता है ये मेरी ड्रीम कार है, रखी थी फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल, यहाँ पीछे रखी हुई थी, ये मेरी ड्रीम कार है। पता है एक दिन इसे लेना है मुझे, कुछ भी हो जाए कितनी मेहनत करना पड़े, तो यार एक दिन मैं इसे लेके रहूँगा। देखना अगर मैं अगर यूट्यूब में अगर सक्सेस हुआ तो मैं कंटिन्यू रखूँगा इसी यूट्यूब को, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं कब तक ये सक्सेस, कब तक ले पाता हूँ मैं, कब तक अपना ड्रीम पूरा कर पाता हूँ। और अभी ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही होगी, पता है क्यों? क्योंकि इतनी ज़ोर से हवा चल रही है यहाँ पे, कुछ पूछो मत। तो चलो यार सीधा घर पे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ तो भाई लोग कैसा लगा, मज़ा आया यार? इतनी धूप हो रही है, पता है आंखें भी नहीं खोल पा रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यार पता है अभी मैं रास्ते में आ रहा, इतने भयंकर ऐसे बालों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, कुछ पूछो मत। तो एक प्यारी सी लोकेशन मिली थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा रुकते हैं तो यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे रुका थोड़ा सा अभी वीडियो बनाने के लिए। तो यार बालों की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, कुछ पूछो मत। तो वही यार, चलो ठीक है बताता हूँ मैं तुम्हें, लोकेशन बताता हूँ, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। पता है इतना अच्छा लग रहा है अभी, ना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना ज़्यादा धूप हो रही है, मस्त अच्छा ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्यारा लगता है। और अगर इसी टाइम पे ऐसे गर्मी लगने लगे ना तो बहुत ज़्यादा, अभी मैं विदिशा में था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, तो कुछ पूछो मत। तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, पूरा चेहरा पसीने में हो रहा था। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, रास्ते में रुक के थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो यार प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करो यार, नए हो तो सब्सक्राइब करो ना, क्या चला जाएगा है ना। तो चलो यार अभी चलते हैं घर। तो मैं थोड़ा रुका हुआ था, मैंने कहा वीडियो बना लूँ थोड़ी सी, क्योंकि घर जाके भी थोड़ी बहुत वीडियो बना पाऊँगा क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो घर पहुँचते पहुँचते वही ऐसे ही हो जाएगा। तो चलो यार अभी मिलते हैं घर पे, मैं यहीं पे रुका था, मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ है ना। और अभी मैंने बताया आपको मेरी ड्रीम कार के बारे में, तो यार आप लोग सपोर्ट करो जल्दी से यार है ना, तो बहुत जल्दी मेरी ड्रीम कार भी आ जाएगी, और YouTube से नहीं तो मेहनत से आ जाएगी, और कुछ करेंगे वैसे भी और कुछ करते ही हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हम आ चुके हैं सही सलामत अपने घर पर है ना, अब भी आल घर पे आए हैं, तो मैं चलो वीडियो बना लूँ। तो यार ये देखो ये क्या क्या मंगाया तूने, ये बता पहले। तो तो अब भी हाल में घर पे आया, तो इसने क्या क्या राखी, तो ये राखी का सामान लेके आया था मैं, तो ये बोले लगी बता दो क्या है। तो अन्ने तोड़ दी शादी, देख रहा ये, तो देख ये पन्नी रखी थी ये, तो मैंने उससे छीना, मैंने बोल दे मेरे को, इसने पकड़ लिया तो फट गई वो पन्नी पूरे मोती फैल गए। देखे वो पड़ा, उठा ले जल्दी से, तो इसने उठा लिए इतने सारे मोती क्योंकि पूरे फैल गए थे। तो अच्छा ठीक है, तो एक बात पूछ भी रही है इनको। तो बोलो आज पता मुझे किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं कहा, तो आज वैसे भी इसका बर्थडे नहीं है तो हैप्पी बर्थडे बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, आज मेरा हैप्पी नहीं है। तो चलो यार अभी खाना खा ले, मैंने आज दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, तो खाना वाना खा लूँ फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में। आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैंने अभी ब्लॉग क्या हो गया, कुछ खा रहे पता नहीं, पत्ती में रखकर वो कुछ लोग खा रहे हैं। तो नीचे वो पवन और वो हैं, तो वो जो बड़े बड़े पत्ते आते हैं ना, पता नहीं शहद रख कर, तो उसमें शहद रख ली है उनमें और वो खा रहे हैं। तो अभी तो बता रही थी वो कुछ खा रहे हैं, तो अगर देख पागल कुछ भी, तो अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी छोटा चैनल है यार, अभी तो यार मेहनत कर रहा हूँ, क्यों परेशान कर रही है वीडियो बनाने, मेहनत कर रहा हूँ तब तो मज़ा आएगा ना, अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैंने आपको अभी आज बताया मेरी ड्रीम कार के बारे में, तो यार भाई मेहनत करने के बाद तो सब कुछ हो जाता है, जब तक मेहनत नहीं करो जब तक कुछ नहीं होगा। और जब फेमस हो जाते हैं तब सब लोग साथ होते हैं, पर जब कोई फेमस नहीं होता, जब कोई बड़ा नाम नहीं होता ना, तब कोई साथ में नहीं होता। तो वही जब आपको अभी से सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे तक जाऊंगा मैं, है ना काजल पलक? यस यस, बेचारी जे भी देखो, इन्हें भी एक उम्मीद है कि हाँ बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत 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 कुछ करेंगे। तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करो, मिलते हैं कल एक और वीडियो में, बाय बाय।